हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हर्षवी पटेल बात करूंगा आपसे स्टूडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और 30 में से अगर आप 24 प्लस सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छा करेंगे। और अगर आपने पहले के मॉक टेस्ट नहीं करें तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसी वजह से मैंने इनको मॉक टेस्ट के रूप में शामिल किया है। कुछ लोग कल के मॉक टेस्ट में कह रहे थे कि सर, जो मैंने EBS का डाला था उसमें कह रहे थे कि इस प्रकार के प्रश्न आते ही नहीं हैं, शायद उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा CTET को, तो क्या जाने कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो शुरू करते हैं, खैर उस बात को छोड़ते हैं। तो पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू करिए। सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। देखिए, प्रश्न हमारा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। अगला है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कक्षा निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन आपका चौथा सही है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे, समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। तो पूर्वग्राही किशोर किशोरी जो है अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलाक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो बताना है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी थी, ये दी थी पियाजे ने। अगला है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता के स्वीकृत एवं स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही है, बहुत विनीत व स्वयं में सीमित। देखिए, मैं जब कहता हूँ कि ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में रखे ही होंगे, मतलब संभावना होती है कि ऐसे प्रश्न आएंगे। ये नहीं कि बाद में आप लोग कहें आके कि आपने तो कहा था कि एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा एक संभावना व्यक्त करता हूं मैं कि आएगा, ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन बिल्कुल ये नहीं डेफिनेटली कह सकता कि एग्ज़ाम में आएगा ही। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात का। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण या राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता, लर्निंग एबिलिटी जो है किससे प्रभावित नहीं होती, ये राष्ट्रीयता से जो है प्रभावित नहीं होती है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थांडाइक, पावलाव, स्किनर, गुथरी। तो देखिए, जो गुथरी महोदय हैं इन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। बाकी चाहे थांडाइक हो, चाहे पावलाव हो, चाहे स्किनर हो, इन्होंने पुरस्कार को महत्व दिया है। देखिए, थांडाइक ने प्रयोग किया था बेली पर, और देखिए जो इनके प्रयोग में उद्दीपक है वही पुरस्कार है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, थांडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, पावलाव ने कुत्ते पर और स्किनर ने चूहे और कबूतर पर।
तो इन्होंने जो है अपने प्रयोग में उद्दीपक का प्रयोग किया था, यानी पुरस्कार को महत्व दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का अवस्था, पुरस्कार। तो स्कूल का बस्ता जो है इससे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। अगला, स्व केंद्रित अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में स्व केंद्रित अवस्था होती है। ये होती है 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। ये संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। अगला, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। देखिए इसका ऑप्शन जो है तत्परता। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रतिनिरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो ये संबंधित है किशोरावस्था से। अगला, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता या ये सभी। तो इसका ऑप्शन आपका सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आधार, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी है। अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो विद्यार्थियों में, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग नहीं करते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही है, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। देखिए जब आप कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें अधिगम के प्रेरित करने हेतु हम लोग उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप अत्यधिक प्रशंसा करेंगे तो बालक आपको परेशान करने लगेंगे। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी। तो देखिए ये होता है धनात्मक प्लस, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक व व्यवहारिक बनाना, छात्रों को अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासन इन छात्रों की विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन आपका सही है दूसरा, शिक्षण को रोचक व व्यवहारिक बनाना। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो ये होते हैं मूल प्रवृत्तात्मक। शैशवावस्था में जो है बालक मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कार्य करता है और मूल प्रवृत्तियां जो है कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से जुड़ी होती हैं। अगला है, जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान व शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका सही है पहला,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान का शिक्षण, पहचान और शिक्षण। अगला है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि वाले बालक, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे। तो समायोजन की समस्या जो होती है वो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे में होती है। अगला है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। देखिए, जो सीखना होता है कभी धीमा होता है, कभी तीव्र होता है, कभी रुक जाता है, तो इसमें शिक्षक को यह मानना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति है। अगर बालक पहले तीव्र सीख रहा था तो कभी स्थिर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यह शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। इसका ऑप्शन जो सही है आपका तीसरा सही है, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विकास का संबंध जैसे परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध है परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। इसका संबंध है प्रतिक्रिया से। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है या किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाना जाता है? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। हम लोग इस विषय में काफ़ी बार बात कर चुके हैं। तो पियाजे जो था वो ज्ञानात्मक विकास से संबंधित था, जो आपका सामाजिक विकास है उससे वाइगोत्स्की संबंधित था, भाषा विकास से चोमस्की, नैतिक विकास से कोहलबर्ग। अगला है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। आंशिक रूप से सत्य है, सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। तो ये सत्य है। अगला, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थित, गृहकार्य की जांच में नगन, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? देखिए, पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका सही है चौथा, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, ये आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं, बाकी सब लालच दे रहे हैं। अगला है, बच्चे के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व होता है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। तो बालक के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। अगला, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है बुद्धि के प्रशिक्षण में होता है। अगला है, कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या सामाजिक विकास से? तो अभी मैंने आपको बताया था और काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। तो इसका ऑप्शन जो है आपका तीसरा सही है, नैतिक विकास से। कोहलबर्ग जो था वो नैतिक विकास से संबंधित था, तीसरा ऑप्शन सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। 30 में से जितने भी प्रश्न आप करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।